हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं वेज मंचूरियन, और ये मैंने सिर्फ पत्ता गोभी यानी कैबेज से बनाया है। और सभी लोग इसको खाना काफ़ी पसंद करते हैं, बच्चों के तो ये ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। तो आप लोग भी इसको काफ़ी जल्दी बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वेज मंचूरियन बनाना। इसके लिए मैंने पत्ता गोभी ले लिया था और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, देखिए। और इस पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने से क्या होगा कि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा ना, वो आराम से निकल जाता है। तो मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको देखिए इस तरह से थोड़ा सा लेके इसको हम हथेली में निचोड़ लेंगे। तो देखिए कितना पानी इसका निकल रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो मंचूरियन के बॉल्स होते हैं वो अच्छे से ड्राई बनते हैं। ये जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है इस तरह से निकल जाएगा। तो मैंने सारा निकाल लिया है, और जो इसका पानी है आप इसको बिल्कुल फेंकना मत। आप इसको सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो हमारा पत्ता गोभी था अच्छे से ड्राई ड्राई सा लग रहा है। तब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर लेंगे। मैंने देखिए एक ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें चिली थोड़ा कम डाला है। और एक फ्रेश धनिया पत्ता है, थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे मैदा। मैदा डालने से क्या होगा कि इसकी जो बाइंडिंग है बहुत अच्छी आ जाएगी। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, और उससे भी काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और 1/2 टेबल स्पून से कम हम इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया मसाला, और 1/2 टेबल स्पून से कम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसको खट्टा फ्लेवर देने के लिए हल्का सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर हल्का सा डाल दिया है। तो यही मसाले इसमें पड़ते हैं, और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी के जो बचा हुआ पानी है इसी से ये बाइंड हो जाता है। तो देखिए अब हम इसको बाइंडिंग कर लेंगे। और आपको जिस साइज़ के मंचूरियन चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे। देखिए बहुत ईजिली बाइंड हो जाता है। देखिए हमारा जो पहला मंचूरियन बॉल था बन गया है। थोड़ा सा आपको लेना है, और जिस तरह से हम लड्डू को बाइंड करते हैं उसी तरह से हम इसको बाइंड कर लेंगे। बस बहुत झटपट बन जाती है रेसिपी। और बच्चे लोग सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, बट अगर आप इस तरह से उनको खिलाएंगे तो वो लोग बहुत अच्छे से जो है सब्जियाँ खा लेते हैं। तो मैंने सारे मंचूरियन बॉल इसमें बना लिए हैं। अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें बॉल्स ऐड कर देंगे। और पहले हमको ऑयल को गर्म कर लेना है, और उसके बाद फिर जब ये इसमें हम डालते हैं तो उसके बाद इसका फ्लेम हमने लो कर लेना है, ताकि जो बॉल्स हैं आराम से सिक जाएं, अंदर तक सिकें और प्यारा सा गोल्डन कलर लाने तक हम इसको सेक लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, और जैसे इसका गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको निकाल देंगे। देखिए हमारे जो बॉल्स हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, ये ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारा जो पहला सिप था बन गया है मंचूरियंस बॉल का। उसको हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरह से हम सेकेंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा जो सेकेंड बैच था वो भी फ्राई हो चुका है। तो बॉल्स हमारे रेडी हैं, अब कर लेते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और ऑयल की हल्का सा गर्म होती है हम इसमें जिंजर और गार्लिक का एक पेस्ट मैंने अभी बनाया है इसको मैं इसमें डाल दूंगी, और हल्का सा हम इसको भून लेंगे। इसका कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक ग्रीन चिली मैं इसमें ऐड कर दूंगी, देखिए। और एक प्याज मैंने देखिए इसको इस शेप में काटा हुआ है। और आप लोग चाहें तो और सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बीन्स, कैप्सिकम, कैरेट, कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल ही पसंद आता है क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी ज़्यादा पसंद आती है। तो एक टेबल स्पून हमने यहाँ पर टमाटो केचप, और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें विनीगर डाल देंगे। चारों सॉसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि मंचूरियन का जो टेस्ट है इन्हीं सॉसेस से आता है। और देखिए मैंने यहाँ पर एक सैंडविच स्प्रेड आता है, देखिए इस तरह से। आप लोग चाहें तो इसको डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने इसको 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर दिया,
और ये हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि जो हमारी ग्रेवी होती है काफ़ी थिक बन जाती है और खाने में वो ग्रेवी ही बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसको हम इसी तरह से पका लेंगे। और आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को ज़्यादा ऐड करिए, और मुझे भी ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं बस हल्का सा उसको गीला गीला रखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर कम ग्रेवी बनाई है। तो अब हम इसको बॉल्स को ऐड कर देंगे जैसे ही हमारे ग्रेवी में उबाल आ जाए। तो अब हम इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि जो हमारे मंचूरियंस बॉल हैं सारी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो देखिए जो हमारी मंचूरियंस था वो बन के रेडी हो चुका है। हल्का सा धनिया पत्ता डाल के हम इसको गार्निश कर लेंगे। देखा आपने कितना इजी था ये रेसिपी बनाना। तो इसकी प्लेटिंग अब हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको प्लेटिंग कर लिया है। बहुत टेस्टी बनता है, कभी भी आप इसको बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप कभी भी किसी भी टाइम पर आप मंचूरियंस को बना सकते हैं, और इसमें आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, और बच्चे लोग इन वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से खाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक सभी को बाय बाय।